मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम भाग्यशाली है कि उसके विकेट कीपर और कप्तान पूर्व टेस्ट क्रिकेटर नमन ओझा हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट कैप पहनी थी और वे अपने क्रिकेट के आखिरी दौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट को नेतृत्व, विकेट कीपिंग और एक बल्लेबाज के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। नमन ओझा की फिटनेस के बारे में क्या कहने, ऐसा लगता है कि वे 16 या 18 साल के हैं। बहरहाल, मध्य प्रदेश में दो और विकेट कीपर हैं, आपको अजय रोहरा तो याद होंगे ही, जिन्होंने अपने प्रवेशी मैच में 267 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वे भी टीम में हैं। अंकित दाणे, वे भी कई मैच खेल चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 3 विकेट कीपर हैं सीनियर टीम में, लेकिन यदि ऐसे में किसी एक प्रतिभावान की दस्तक हो जाए तो क्या कहने। हिमांशु मंत्री, जो कि शहडोल जैसे छोटे डिवीज़न से हैं और उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश की रणजी टीम में जगह बनाई है। जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूँ, उसके एक दिन पहले मध्य प्रदेश की टीम इंदौर के देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए उड़ चुकी थी। वहाँ वह रणजी ट्रॉफी के लिए 2 अभ्यास मैच खेलेगी, 4-4 दिन के, जो कि बंगाल के खिलाफ खेले जाएंगे। नमन ओझा के जोड़ीदार के रूप में या उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में कौन हो सकते हैं? अंकित दाणे पहले उनके साथ में खेल चुके हैं प्लेइंग 11 में, अजय रोहरा भी प्लेइंग 11 में खेल चुके हैं लेकिन विकेट कीपर के रूप में नहीं। तो हिमांशु मंत्री, उन्हें शामिल किया गया, देखना रोचक होगा कि वे नमन के साथ जोड़ी बना पाते हैं या नहीं। हालांकि उनका टीम में चयन निश्चित है, टीम अभी चुनी नहीं गई है और उस टीम से अजय रोहरा फिलहाल बाहर हैं क्योंकि उनके घुटने में चोट है और अंकित दाणे भी फिटनेस से गुजर रहे हैं। मैंने हिमांशु मंत्री से इंदौर के होटल सूर्या में बातचीत की। कुछ खास बात है क्योंकि वे हर खिलाड़ी के चाहते हैं, हर खिलाड़ी उन्हें रियल जेंटलमैन कहता है। और यदि मैं वेंकटेश अय्यर, जो कि मध्य प्रदेश टीम के स्थापित खिलाड़ी हैं, उनकी बात पर जाऊं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हिमांशु भाई, चाहे वह लोकल मैच हो, गली का मैच हो, रणजी ट्रॉफी मैच हो या कोई बड़ा मैच हो, उसे वे वैसे ही खेलते हैं मानो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। है ना रोचक बात? तो देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के उदीमान सितारे हिमांशु मंत्री हमारे बीच हैं। मैं ग्लोबल वेब टीवी और प्रभात फिल्म न्यूज़पेपर की ओर से उनका बहुत स्वागत करता हूँ। हिमांशु जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1994। आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? कितना समय हो गया तुम्हें? ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्या वो शेड्यूल से शुरू किया अथवा इंदौर से? नहीं, मेरा क्रिकेट करियर का जो स्टार्टिंग है वो शेड्यूल से ही हुआ है। जी, जब मैं 5th क्लास में था तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट कैंप उस टाइम लगा था हमारे स्टेडियम में, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। फिर लगातार वहाँ से इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता गया, मेरे को मज़ा आने लगा गेम में, तो मैं कंटिन्यू करते गया। आपके आदरणीय पिताश्री का नाम क्या है? संदीप कुमार मंत्री। क्या करते हैं सर? बिजनेस है हमारा। अच्छा, एफएमसीजी का बिजनेस। अच्छा, मतलब जैसे अन्य क्रिकेटरों को जो संघर्ष करना पड़ता है, आर्थिक संघर्ष नहीं कहेंगे, बैट का, किट का या क्लब में फीस का, वो आपको नहीं करना पड़ा? नहीं, संघर्ष बिल्कुल करना पड़ा क्योंकि मैं हूँ भी मिडिल क्लास फैमिली से, और ये जो स्टार्टिंग के जो भी इक्विपमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है क्रिकेटर को, उसके लिए मेरे को भी बराबर संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उतना इजी नहीं होता है अपने पेरेंट्स को समझाना कि मेरे को बैट, पैड, हेलमेट्स, और मैं कीपर हूँ तो कीपिंग के सेट्स मेरे को रेगुलर चाहिए। तो वो थोड़ा कन्विंस करना पड़ता था, बहुत हार्ड नहीं था लेकिन हाँ, मेरे को कन्विंस करना पड़ता था अपने पेरेंट्स को। आपके कोच साहब और आपके क्लब का नाम, पहले क्लब का नाम? जो हमारा क्लब है उसका ऐसा कुछ खास नाम नहीं, हमारा वो DCA क्लब है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का। और मेरे जो कोच हैं वो आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, उनके असिस्टेंट कोच हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं हमारी, वो सोनू रॉबिन्सन है, और हमारे सेक्रेटरी अजय द्विवेदी, ये तीनों ने बहुत हेल्प करी। अच्छा, शुरू से लेके अभी तक। कितने साल खेले आप शेड्यूल में क्लब क्रिकेट? मैं शुरू से शेड्यूल से खेल रहा हूँ सर, और अभी तक खेलता हूँ। नहीं, क्लब क्रिकेट की बात करो। क्लब क्रिकेट हमारे वहाँ ऐसा इंदौर जैसा क्लब क्रिकेट नहीं, क्योंकि क्लब ही एक है, केवल क्लब है। हाँ, तो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं सब एक ही क्लब में खेलते हैं, जो कि हमारा महात्मा गांधी स्टेडियम में लगता है। अच्छा, तो क्लब क्रिकेट ऐसा कोई लीग होती नहीं है। जी जी, बस प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड है, वहीं सब प्रैक्टिस करते हैं। आप MBCC इंदौर से भी खेलते हैं? हाँ, मैं लास्ट ईयर MBCC इंदौर ज्वाइन किया था। जी,
और मैंने अपने ए ग्रेड के मैचेस सारे एमबीसी से सीखे। आपकी निश्चित रूप से सेंचुरीज होगी उसमें। हाँ, मेरा लकीली मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था एमबीसी से। मेरे लास्ट दो टूर्नामेंट में मेरे करीब 600 आए थे। 600 रन? 600। ओ, और रन्स कितने होंगे? सर ऐसा अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ 700-800 रन आराम से। और विकेट कीपिंग पर जाएं तो आपके कैच सिस्टम? सर विकेट कीपिंग मैं एमबीसी से नहीं करता था, क्योंकि वो एमबीसी में ऑलरेडी जो कैप्टन है वो विकेट कीपर था। क्या नाम है उनका? कुलदीप गेही नाम है उसका। कुलदीप? कुलदीप गेही। ओके, तो वो विकेट कीपिंग करता था। हाँ, कभी वो इंजर्ड होता था या कभी वो अवेलेबल नहीं रहता था, तो मैं हमेशा रेडी रहता था विकेट कीपिंग। अच्छा, आप निश्चित रूप से जैन भाया खेले होंगे। जैन भाया तो डिवीजन लीग होती है सर, वो शेडोल से रिप्रेजेंट। जी जी जी, मैं अपने सारे डिवीजन लीग शेडोल को ही रिप्रेजेंट करता हूँ। वहाँ विकेट कीपिंग की आपने उनमें से? मैं हाँ शेडोल को मैं लीड करता हूँ सर, शेडोल टीम को मैं लीड करता हूँ। अच्छा, विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। अच्छा, विकेट कीपिंग रेगुलर करता हूँ मैं डिवीजन मैचेस में, प्लस मैं शेडोल की टीम में कैप्टन हूँ। जैन भाया में क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? ये सत्र जैन भाया में मेरा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था सर। मैंने अच्छे स्टार्ट दिए, लेकिन कोई ऐसा बड़े स्कोर्स नहीं था मेरे। हम तीन मैच खेले थे लीग के, तो जिसमें डबल फिगर्स में थे, लेकिन एक भी 50 नहीं था। यदि जो इनिंग गेम होते हैं आपके इंटर डिवीजन, उस पर जाया जाए तो उसमें आपका बेहतर रहा होगा? हाँ, इनिंग गेम जो थे हमारे, जो रेड बॉल क्रिकेट थी, वो सारे में मेरे अच्छे स्कोर्स थे सर। अगर मैं अपना डिवीजन का इस साल का स्टेटमेंट बताऊं तो मेरे सर 98 रन हैं एक मैच में, एक मैच में 76, एक रेस्ट ऑफ एमपी के खिलाफ क्रूशल 85 था। उसके बाद एक साइड टूर में हमारी टीम गई मैसूर, जो शॉर्ट लिस्टेड लड़के थे 22 लड़के से, उसमें से 15 लड़के मैसूर गए थे। रणजी ट्रॉफी टीम थी, वो साइड टूर के लिए गई थी मैसूर, वहाँ भी मेरी 100 थी। और उसके बाद अभी प्रैक्टिस मैचेस, सिलेक्शन मैचेस हुए हमारे रणजी ट्रॉफी के लिए, तो एक 132 नॉट आउट उसमें। अच्छा, किस नंबर पर खेलना पसंद करते हैं आप? सर मैं टीम के हिसाब से, मैं क्या बहुत फ्लेक्सिबल प्लेयर हूँ सर, तो मेरे को ओपनिंग से लेके 7वें नंबर तक खेल चुके हैं। स्लॉट मेरे को मिला है सर, मैं कोशिश करता हूँ टीम के लिए अच्छा करूँ। अच्छा, चूँकि आप विकेट कीपर हैं, नमन ओझा उन्होंने टेस्ट मैच खेला है, वो मध्य प्रदेश क्रिकेट इतिहास के पहले विकेट कीपर है जिन्होंने टेस्ट मैच खेला। निश्चित रूप से उनसे सीखने को आपको मिलता होगा। बहुत कुछ सर, बहुत कुछ। क्या कोई एक्सपीरियंस आपको बताएं उनके साथ? सर सबसे अच्छी चीज़ मेरे को उनकी अभी तक ये लगती है कि उनका जो पैशन है क्रिकेट के लिए सर, वो उसका कोई सर मैच ही नहीं है। मतलब इस पे अगर वो ग्राउंड पे उतरते हैं तो वो अपना 100% देते हैं सर। सो स्टिल उनकी जो भी एज है, अनरिलेटेड सर, उनका जो पैशन है क्रिकेट के लिए, दैट इज़ अनबिलीवेबल सर। तो मतलब वो चीज़ बहुत इंस्पायर करती है मेरे को कि आपका पैशन है तो एज इज जस्ट अ नंबर सर। अंकित दाणे और अजय रोहरा ये भी अपना डेब्यू कर चुके हैं, काफ़ी मैच खेल चुके हैं अंकित तो, आप भी विकेट कीपर हैं, आप इस पर कंपटीशन मानते हैं दोनों के साथ? सर एज सच मेरे हिसाब से किसी का किसी से कंपटीशन नहीं होता है। आप जितना बेहतर अपने आप को डेली करेंगे वो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो सिलेक्शन की प्रोसेस को ज़्यादा ना सोचते हुए अपन अपने आप को इम्प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान लगाएं, तो आपका दिमाग में कभी कंपटीशन वाली दूसरों से भावना नहीं आएगी, आपका कंपटीशन हमेशा खुद से ही रहेगा। अगर आप डेली अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो, कि आप कल कैसे थे और आज कैसे हैं और परसों कैसे रहेंगे। सो मेरा कभी दूसरे से कंपटीशन ना करके मैं कोशिश करता हूँ कि खुद को डेली इम्प्रूव करूँ, कंपटीशन खुद से रखूँ, कल से बेहतर आज रहूँ और कल आज से बेहतर रहूँ। फिर भी इन दोनों के रहते आपने जो टीम में जगह बनाई है, तो उसकी एक मूल वजह क्या मानते हैं? सर मैं तो बस सर प्रोसेस में ध्यान दे रहा था, मैं जगह उनके रहते हुए बनाया वो अलग बात है, लेकिन मेरा हमेशा से सोचना था और मेरा वर्क एथिक यही था कि मैं अपने प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दूँ। मतलब एक दिन को एक बार मिलूँ और डेली अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँ। अजय और अंकित के साथ आपका निश्चित रूप से कन्वर्सेशन होता होगा, बिल्कुल, और आपसे वरिष्ठ भी हैं वो, थोड़ा ज़्यादा खेले हैं वो, बिल्कुल, तो इनसे आपके खास क्या बातें होती हैं खेल को लेकर?
सर जो भी जेन्युइन बातें होती हैं हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अधिकतर विकेट कीपर्स का बॉन्डिंग ऐसा रहता है कि विकेट कीपिंग की बातें ज़्यादा होती है, तो हमारे विकेट कीपिंग को लेके काफ़ी बातें होती है, प्लस कुछ बैटिंग को लेके भी बातें होती है, ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी बहुत सारी हमारे बातें रहती है, तो वो हम आपस में एंजॉय करते हैं। यार जानकारी दे रहे थे कि आप किसी भी मैच को ऐसा खेलते हैं जैसे इंडिया के लिए खेल रहे हैं, चाहे क्लब क्रिकेट हो, डिवीजन हो या रेस्ट ऑफ एमपी का मैच हो, तो ये मानसिकता आपकी खुद की है कि आपने किसी से सीखा है? नहीं सर, वही एक्चुअली मेरे कोचेज और यहाँ इंदौर में भी मैंने CCI क्लब में काफ़ी दिन प्रैक्टिस करी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। इन्होंने सिखाया आपको? CCI क्लब में भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की, उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। मुकेश सानी सर, नितिन कुलकर्णी सर, सिद्धार्थ सर भी हमारे, नवीन पेरासानी विकेट कीपर थे, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी सर। ओवरऑल इंदौर में आना मेरे क्या ऐसी जिसका आप उल्लेख करना चाहें, क्या सीखा आपने? सर मेरे बैटिंग में काफ़ी फ्लॉस थे सर, मतलब जो करेक्ट हो सकते थे, जो कि शेडोल में रहते हुए उतनी बारीकियाँ नहीं पकड़ पाए मेरे कोचेज में, तो वहाँ यहाँ आके नितिन सर ने काफ़ी काम किया मेरे पर और जो छोटे छोटे फ्लॉज थे उसको दूर किया, जिसके कारण मेरे को अपनी बैटिंग में काफ़ी हेल्प हुआ। तो वो जब आप एक मेरा माइंडसेट शुरू से ऐसा रहा था सर कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि जितने ओवर्स का मैच है, चाहे डेज मैच हो चाहे वनडे हो, मैं पूरा अपनी टीम के लिए खेलूँ, तो वो माइंडसेट कैरी होता चला गया और साथ में मेरा टेक्निक हेल्प करने लग गया मेरे गेम को, तो हर एक इनिंग जो भी मैं खेलता था अगर वो लंबी होती थी तो मैं उसको ज़्यादा इन्जॉय करता था, तो एक माइंडसेट ही वैसा बन गया कि मेरे को लंबी इनिंग खेलने में, दिन भर खेलने में मज़ा आने लगता है। तो वो मेरे को क्लब मैचेस में अप्लाई करना चालू किया तो वो धीरे धीरे बड़े मैचेस में भी अप्लाई होने लग गई, तो चालू क्लब क्रिकेट से हुआ, इसीलिए मैं वो मैचेस को भी उतना ही अच्छे से खेलता हूँ जितना मैं कोई बड़ा मैच खेलता। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में विकेट कीपर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, उसे तेज खेलना होता है, चूँकि आप 1 से 7 नंबर तक बैटिंग कर चुके हैं, तो आप जो गेम 4 डे में खेलते हैं, आप 3 डे में खेलते हैं, तो वो वनडे में भी वैसे ही रहता है या बदल मानसिकता बदल लेते हैं? सर एक्चुअली गेम का सिचुएशन हम पहले से कभी डिसाइड नहीं कर सकते, एक क्रिकेट मैच नहीं, मेरा मूल प्रश्न है कि आप आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं? नहीं सर, वही मैं बता रहा हूँ कि आक्रामक बल्लेबाजी हर मैच में आप नहीं कर सकते, 50 ओवर का गेम बहुत बड़ा गेम होता है, हम उसको अधिकतर व्हाइट बॉल क्रिकेट समझ के बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं, तो एक 50 ओवर के गेम में भी आपको कई सारी की सिचुएशन मिलती है, हो सकता है आप 350 चेस कर रहे हो तो उसमें आपकी बैटिंग अलग होगी, हो सकता है आप 240 चेस कर रहे हो उसमें अलग होगी, हो सकता है आप 200 ही रन चेस कर रहे हो लेकिन आपके 100 रन पे ऑलरेडी 4 विकेट हो गए तो आप उसकी बैटिंग अलग होगी, तो सिचुएशनल बैटिंग अगर हम करते हैं टीम के हिसाब से जो टीम के लिए बेनिफिशियल है वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे। एक क्रिकेटर से ज़्यादा बेहतर इंसान है, इस बात का प्रमाण कल आपके साथी क्रिकेटरों ने दिया, चाहे आपके कप्तान हो, अय्यर हो अथवा गौरव यादव हो, सभी आपको आपको प्यार करते हैं, आपको प्रिय बोलते हैं, तो ये जो आपका स्वभाव है ये टीचर्स की देन है, माता पिता के संस्कार हैं या नैसर्गिक है, ऊपर से ऐसे बनकर आए हो? सर मेरा जॉइंट फैमिली है एक्चुअली, हम 18 लोग एक साथ रहते हैं, मेरे दादाजी दादी बड़े पापा और चाचा सब एक साथ रहते हैं, तो एक वो कल्चर जो जॉइंट फैमिली में होता है वो शुरू से मेरे अंदर है। मैंने कोई भी इंसान हो अगर वो मेरे से बड़ा है एज में तो मैं उसकी रिस्पेक्ट ही करता हूँ सर, और एक हम्बल नेचर रखना हर किसी इंसान के लिए अच्छा ही रहता है सर, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप एग्रेसिव रह के ऐसा कुछ खास कर नहीं सकते हैं और ना आप अलग जा सकते हैं, भारत भी हम्बल भी गुड बहुत अच्छा है। भारत में आज क्रिकेट वहाँ पहुँच गया जहाँ रणजी ट्रॉफी की कैप पहनना बहुत बड़ी बात हो गई है और आप उसके बेहद नज़दीक जाते दिखाई दे रहे हैं, क्या ये आपका पहला सपना था? ये मेरा ऑफकोर्स आप अचीवमेंट बोल सकते हैं सर, लेकिन हाँ आई एम ड्रीमिंग बिग, हाँ दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट और मेरे लिए एक अच्छा माइलस्टोन रहेगा रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट होना, फिर मेरी कोशिश यही रहेगी फिर स्टार्टिंग से मैं अपने प्रोसेस पे ध्यान दूँ, हर एक मैच को एक बार में लेके खेलूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ, सो मैच बाई मैच इम्प्रूव होते जाऊँ, जैसा कि पहले ही बताया कि हर एक कल आज से बेहतर हो, बस इसी की कोशिश करूँगा सर, और बाकी रिजल्ट्स अपने आप मेरे को उस प्रोसेस में मिल रहे हैं तो होपफुली सब अच्छा हो। आपके कोचिंग स्टाफ के तीनों जो सदस्य हैं हरविंदर सिंह सोढ़ी, सैयद अब्बास अली और देवेंद्र सिंह मुंदेला, ये डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े नाम रहे हैं, अभी चूंकि आपका डेब्यू नहीं हुआ लेकिन इनसे आपका कोई कन्वर्सेशन हुआ, कोई सलाह मिली? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब मैं मैसूर टूर से साथ में हूँ इन तीनों के,
और काफ़ी कुछ सर मेरे को सीखने मिला, मतलब देवेंद्र बुंदेला सर से मेरी काफ़ी बातचीत होती है, उन्होंने मेरे को अपने बैटिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलिटीज से हट के है सर, जो आजकल माइंड गेम्स ज़्यादा चलते हैं, पूरा ऊपर का लेवल सिर्फ दिमाग का रह गया है सर, तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ों में ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड आपका बिहेवियर, आपका माइंड सेटअप, आपका विजुलाइजेशन कैसा होना चाहिए, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस चीज़ में। प्लस एक प्लस पॉइंट ये है कि अब्बास सर भी लेफ्टी हैं तो वो मेरा गेम और अच्छे से समझ पाते हैं। आप लेफ्ट हैंडर हैं? अब्बास सर खुद लेफ्ट हैंडर रहे हैं। आप भी लेफ्ट हैंडर? मैं भी लेफ्ट हैंडर सर, तो वो मेरा गेम और अच्छे से समझ पाते हैं तो वो मेरे को उस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। पाजी से मेरा कन्वर्सेशन अभी ये जो कैंप लगा हाल फिलहाल इसमें ज़्यादा चालू हुआ है, क्योंकि पहले दो साइड टूर में पाजी नहीं थे हमारी टीम के साथ, तो ओवरऑल बहुत अच्छा कोचिंग स्टाफ मिला सर और आई एम फीलिंग वेरी लकी टू बी गाइडेड बाय देम। ये बड़े कोच की शरण में आपने छोटे कोच से सीखा और आपकी क्रिकेट यात्रा को 10 साल हो गए। बहरहाल आप जो खुद अपनी ओर से आज भी तैयारी करते हैं वो क्या होती है, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? सर एक्चुअली मैं अपने कल का प्लान आज ही बना लेता हूँ सर, जो भी मेरी टू डू लिस्ट है या जो भी मेरे को काम करना है तो उसका मेरा कल का प्लान मैं कल सुबह उठ के डिसाइड नहीं करता सर, मैं आज ही उसका प्लान आउट कर लेता हूँ कि मेरे को किस किस चीज़ों में काम करना है। और बहुत सिचुएशनल प्रैक्टिस होती है सर मेरी, जैसे जैसे क्रिकेट बहुत फास्ट होते जा रही है, बहुत डिमांडिंग होते जा रही है, वैसे वैसे प्रैक्टिस भी मेरी उस हिसाब से मैं करने की कोशिश करता हूँ कि एक फिक्स पैटर्न ना रख के जैसा अपने मैच में सिचुएशंस आती है उस हिसाब से प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ सर। और डेली प्रैक्टिस और एक आपका डेली वर्क एथिक होना बहुत जरूरी है सर एक लॉन्ग रन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं।